हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं ट्रेड्समैन सफाई कर्मचारी एमसीक्यू वीडियो टेस्ट सीरीज का 26वां पार्ट, जो कि आपके किसी भी ट्रेडमैन सफाई कर्मचारी के रिटेन एग्जाम या फिर ट्रेड टेस्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक एक बार जरूर देखिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर अभी नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप उन सभी वीडियो को भी देख लीजिए, क्योंकि वो सभी वीडियो आपके किसी भी ट्रेडमैन सफाई कर्मचारी के रिटन एग्जाम या फिर ट्रेड टेस्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाली हैं। दोस्तों, आपको सभी ट्रेडमैन सफाई कर्मचारी से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करा दी गई हैं, जैसे कि सफाई कर्मचारी टूल्स, केमिकल्स, डस्टबिन, जो भी सभी प्रकार के हमारे सफाई कर्मचारी के जीवन काल में जो जो उपयोग किया जाता है, उन सभी से रिलेटेड वीडियो आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कैडी क्या है? तो दोस्तों, कैडी क्या होता है? हमारे सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, खाना पकाने का बर्तन। ऑप्शन बी, सफाई का हथियार। ऑप्शन सी, सफाई टूल्स को रखने की डलिया। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से मतलब ये है सभी। तो दोस्तों, अगर आपको इसका राइट आंसर पता है कि कैडी क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आप टिक करें और इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, देख लेते हैं इसका राइट आंसर। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैडी सफाई टूल्स को रखने की एक डलिया होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोरबेज है एक, मतलब इस क्वेश्चन में पूछेगा गोरबेज है एक, मतलब क्या होता है ये गोरबेज। तो हमारे सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, शैम्पू का नाम। ऑप्शन बी, केमिकल का नाम। ऑप्शन सी, कूड़ा कचरा रखने वाला पन्नी का थैला। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपको पता है कि गोरबेज क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आप टिक करें और इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, देख लेते हैं इसका राइट आंसर। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरबेज कूड़ा कचरा रखने वाला एक पन्नी का थैला होता है, उसे हम गोरबेज बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, दस्ताने पहनना हमें क्यों जरूरी है? तो क्यों जरूरी होता है दोस्तों हमें दस्ताने पहनना? हमारे सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए, सुरक्षा के लिए। ऑप्शन बी, अच्छा दिखने के लिए। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। या फिर ऑप्शन डी, दोनों में से कोई नहीं। दोस्तों, इसका राइट आंसर अगर आपको पता है, तो इसका राइट आंसर आप टिक करें और इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और लास्ट में ये बताएं कि आपको इसको स्कोर कितना रहा। तो दोस्तों, देख लेते इसका राइट आंसर। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सफाई कर्मचारी को दस्ताने क्यों पहनने चाहिए? तो उसको अपनी सुरक्षा के लिए दस्ताने पहनने चाहिए, ना कि उसको अच्छा दिखने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रॉली क्या है? तो दोस्तों, ट्रॉली क्या होती है? हमारे सामने ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, कूड़ा कचरा संग्रह करने का डिब्बा। ऑप्शन बी, खाना रखने की जगह। ऑप्शन सी, नहाने वाली जगह। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपको पता है कि सफाई कर्मचारी के जीवन काल में जो ट्रॉली होते हैं वो किसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका राइट आंसर आप टिक करें और इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, ट्रॉली से संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको सफाई कर्मचारी टूल्स वाली वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। तो दोस्तों, देख लेते हैं इसका राइट आंसर। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो हमारी ट्रॉली होती है वह कूड़ा कचरा संग्रह करने का डिब्बा होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, WC बाउल की सफाई के लिए लगा सकते हैं। तो क्या लगा सकते हैं हम WC बाउल की सफाई करने के लिए? हमारे सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए, टास्की R1। ऑप्शन बी है, टास्की R2। या फिर ऑप्शन सी, टास्की R6। या फिर ऑप्शन डी, टास्की R7। दोस्तों, इसका राइट आंसर अगर आपको पता है, अगर आपने हमारी टास्की वाली वीडियो को देखा है, तो इसका राइट आंसर आपको ज़रूर पता होगा। तो इसका राइट आंसर आप टिक करें और इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारी टास्की वाली वीडियो को नहीं देखा, तो आप हमारी टास्की केमिकल वाली वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि आपके सफाई कर्मचारी से रिलेटेड किसी भी भर्ती में, ट्रेड टेस्ट में या फिर रिटन एग्जाम में टास्की केमिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं इसका राइट आंसर। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, WC बाउल की सफाई करने के लिए हम टास्की R6 का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, बाकी जो हमारी टास्की हैं R1, R2 और एवं R7, इन तीनों टास्की का इस्तेमाल हम, इन तीनों केमिकल का इस्तेमाल कहां पर करते हैं, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देख लो, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टील बॉडी की सफाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम स्टील बॉडी की सफाई करने के लिए, हम किस केमिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हमारे सामने ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, टास्की R1। ऑप्शन बी, टास्की R2। ऑप्शन सी, टास्की R6। या फिर ऑप्शन डी, टास्की R7।
सेवन। दोस्तों इसका राइट आंसर अगर आपको पता है कि स्टील बॉडी की पॉलिश हम किससे करते हैं, किस केमिकल का इस्तेमाल हम करते हैं, तो इसका राइट आंसर आप टिक करें और इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको टास्क की केमिकल के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपने आपको हमारे यूट्यूब चैनल से टास्क की केमिकल वाली वीडियो को देख लेना, उस केमिकल वाली वीडियो में हमने आपको सभी क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टील बॉडी की सफाई करने के लिए हम टास्क की आर1 केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग? हमारे सामने ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए टाइल्स क्लीनिंग में, ऑप्शन बी नहाने में, ऑप्शन सी कपड़े धोने में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर तो मुझे लग रहा है सभी को पता होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर आप टिक करें और इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। देख लेते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल हम कपड़े धोने के लिए करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है टास्क की सॉरी R1 से R9 है एक, तो क्या होते हैं टास्क की R1 टू R9 क्या है? तो हमारे सामने ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए क्लीनिंग एजेंट, ऑप्शन बी नहाने वाला शैम्पू, ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो इसका राइट आंसर आप टिक करें और इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देख लेते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टास्क की R1 से R9 सीरीज क्या होती है, तो ये हमारे क्लीनिंग एजेंट केमिकल होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है R2 रसायन का उपयोग करके आप बाथरूम की दीवार कैसे साफ करेंगे? तो हमारे सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए डस्टर में लेकर दीवार पर लगाएंगे, ऑप्शन बी मटेरियल तैयार करेंगे, ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो इसका राइट आंसर आप टिक करें और इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि टास्क की R1 केमिकल को उपयोग करके हम बाथरूम की सफाई को कैसे साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टास्क की R2 केमिकल को हम डस्टर में लेकर दीवार पर लगाकर उसकी सफाई कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टील बॉडी पर रसायन छिड़कने के बाद आप क्या करेंगे? तो क्या किया जाता है दोस्तों, जो हमारी स्टील बॉडी होती है या फिर स्टील की कोई भी वस्तु होती है उस पर हम केमिकल छिड़कने के बाद क्या करेंगे? तो हमारे सामने ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सूखे डस्टर में सुखाएं, ऑप्शन बी गीले डस्टर से सुखाएं, ऑप्शन सी दोनों में से कोई नहीं, या फिर ऑप्शन डी सुखाना ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता है तो इसका राइट आंसर आप टिक करें और इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। देख लेते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टील बॉडी पर रसायन छिड़कने के बाद हमें उसे सूखे डस्टर से सुखाना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पर्सन पर अभी नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अगर आपने हमारे सफाई कर्मचारी वाली टास्क की केमिकल वाली वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो आप हमारी टास्क की केमिकल वाली वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। अगर आपने हमारे सफाई कर्मचारी टूल्स और डस्टबिन वाली वीडियो को भी नहीं देखा तो आप उन सभी वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके वो किसी भी ट्रेड में सफाई कर्मचारी के ट्रेड टेस्ट या फिर सफाई कर्मचारी के रिटन एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। तो दोस्तों उन सभी वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके भी प्लेलिस्ट के जरिए उन वीडियोज को देख सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उपकरण जो बाथरूम सफाई में उपयोग होता है? तो दोस्तों इन चारों में ऑप्शन में से कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग हम बाथरूम की सफाई करने के लिए करते हैं? तो हमारे सामने ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए डस्टर कैडी, ऑप्शन बी एग टाइमर, ऑप्शन सी मल्टी ओपनर, या फिर ऑप्शन डी स्पाइरल इसलेशर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता है तो इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में टिक करके ज़रूर बताएं। दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डस्टर कैडी का उपयोग हम बाथरूम की सफाई करने के लिए करते हैं। दोस्तों मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपने हमारे सफाई कर्मचारी टूल्स वाली वीडियो को नहीं देखा तो आप एक बार सफाई कर्मचारी टूल्स वाली वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको सफाई कर्मचारी टूल्स के रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको मैंने उस वीडियो में कम्प्लीट करा दिए हैं। आपको पता चल जाएगा किस टूल का इस्तेमाल सफाई कर्मचारी कहाँ पर करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक उपकरण जो बाथरूम सफाई में उपयोग होता है? तो दोस्तों कौन सा उपकरण है? हमारे सामने ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए
एग टाइमर, ऑप्शन बी मल्टी ओपनर, ऑप्शन सी है स्पाइरल इश्लेशर, ऑप्शन डी है हमारा हैंड ग्लव्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता है तो इसका राइट आंसर आप टिक करें और इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल हम बाथरूम की सफाई करने के लिए करते हैं। दोस्तों टॉयलेट सीट को साफ करने के लिए हम किस हैंड ग्लव का इस्तेमाल करते हैं, यह आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण जो बाथरूम सफाई में उपयोग होता है। तो हमारे सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए डस्टपैन, ऑप्शन बी कॉबवेब रिमूवर, ऑप्शन सी स्पाइरल इश्लेशर या फिर ऑप्शन डी स्क्रबिंग पैड। तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल हम बाथरूम की सफाई करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता है तो इसका राइट आंसर आप टिक करें और इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। देख लेते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्क्रबिंग पैड का इस्तेमाल हम बाथरूम की सफाई करने के लिए करते हैं। स्क्रबिंग पैड क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ पर मतलब कैसे किया जाता है, यह आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण जो बाथरूम सफाई में उपयोग होता है। तो हमारे सामने चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एग टाइमर, ऑप्शन बी डब्लूसी ब्रश, ऑप्शन सी मल्टी ओपनर या फिर ऑप्शन डी है स्पाइरल इश्लेशर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता है तो इसका राइट आंसर आप टिक करें और इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डब्ल्यू सी ब्रश का इस्तेमाल हम बाथरूम को साफ करने के लिए करते हैं। दोस्तों डब्ल्यू सी ब्रश को और किस नाम से जाना जाता है, यह आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण जो बाथरूम सफाई में उपयोग होता है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा उपकरण है जिसका इस्तेमाल हम बाथरूम सफाई करने के लिए करते हैं। हमारे सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए टेलीस्कोप, ऑप्शन बी फूल झाड़ू, ऑप्शन सी नारियल झाड़ू या फिर ऑप्शन डी वाइपर। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता है तो इसका राइट आंसर आप टिक करें और इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाइपर का इस्तेमाल हम बाथरूम को साफ करने के लिए करते हैं। दोस्तों टेलीस्कोप का उपयोग हम कहां पर करते हैं, यह आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण जो बाथरूम सफाई में उपयोग होता है। तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन दे दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि किस उपकरण का उपयोग हम इनमें से बाथरूम की सफाई करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए हमारा डिटर्जेंट पाउडर, ऑप्शन बी कॉबवेब रिमूवर, ऑप्शन सी है डस्टपैन या फिर ऑप्शन डी स्प्रे बोतल। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता है तो इसका राइट आंसर आप टिक करें और इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्प्रे बोतल का इस्तेमाल हम इनमें से बाथरूम को साफ करने के लिए करते हैं। स्प्रे बोतल का इस्तेमाल मतलब यूज कैसे करते हैं, यह आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण जो बाथरूम सफाई में उपयोग होता है। तो दोस्तों कौन सा उपकरण है इनमें से जिसका इस्तेमाल हम बाथरूम सफाई के लिए करते हैं। तो हमारे सामने ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए चैम्बर मेज ट्रॉली, ऑप्शन बी एग टाइमर, ऑप्शन सी मल्टी ओपनर या फिर ऑप्शन डी स्पाइरल स्लाइसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता है तो इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चैम्बर मेज ट्रॉली का इस्तेमाल हम बाथरूम को साफ करने के लिए करते हैं। चैम्बर मेज ट्रॉली कैसी होती है और इसका इस्तेमाल मतलब किस प्रकार से हम बाथरूम सफाई में करते हैं, यह आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी टूल्स वाली वीडियो को एक बार जरूर देखें। चैम्बर मेज ट्रॉली एवं जितने भी सफाई कर्मचारी टूल्स होते हैं उन सभी के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया गया है। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंदगी सर्वाधिक किस क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो दोस्तों हमारे सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर भारत, ऑप्शन बी है दक्षिण भारत, ऑप्शन सी है मध्य भारत या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है जो सर्वाधिक गंदगी सबसे ज़्यादा गंदगी किस क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता है तो इसका राइट आंसर आप टिक करें और इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर भारत में हमें सबसे ज़्यादा गंदगी देखने को मिलती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है,
गंदगी ज्यादातर किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? तो हमारे सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए शहरों में, ऑप्शन बी गाँव में, ऑप्शन सी महानगरों में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता है तो इसका राइट आंसर आप टिक करें और इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंदगी ज्यादातर हमें गाँव में देखने को मिलती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंदगी का एक मुख्य कारण है। तो क्या है गंदगी का एक मुख्य कारण? हमारे सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए नगर पालिका, ऑप्शन बी लोगों का स्वच्छता के प्रति जागरूक ना होना, ऑप्शन सी यह दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता है तो इसका राइट आंसर आप टिक करें और इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोगों का स्वच्छता के प्रति जागरूक ना होना, यही एक गंदगी का मुख्य घटक होता है। जब लोग ही उसमें मतलब गंदगी को साफ करने के लिए जागरूक नहीं होंगे तो गंदगी तो अपने आप फैलने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अगर आपने इससे पहले वीडियो को नहीं देखा तो आप उन सभी वीडियो को भी देख लीजिए। दोस्तों अगर आपने हमारे सफाई कर्मचारी टूल्स केमिकल एवं डस्टबिन वाली वीडियो को नहीं देखा तो आप उन सभी वीडियो को एक बार जरूर देखिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।